अजो की जी टॉपिक आया हुआ है ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्ट के बारे में सोचना चाहता हूँ। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सबिस्टेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी सबिस्टेंस जी मूवमेंट थे एक जगह का बे जगह थे, उनके साथ चाहता हूँ ट्रांसपोर्ट। सिंपली ट्रांसपोर्ट मजीद ट्रिन टाइप्स में डिवाइड थे ला है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सॉरी पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड बल्क ट्रांसपोर्ट। इतने पैसिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड बल्क ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट असा उन चवंदा आहियूं वही ट्रांसपोर्ट जी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। इनके साथ चवंदा आहियूं मिलबज़न में सिलो मेथड हूँ, इन जे अंदर एनर्जी इन्वॉल्व न होंगी, यानी एनर्जी जो को भी इनके अंदर कोन, ही पाने सिंपल पैसिव ट्रांसपोर्ट थी पी। इन जहा मजीद ब टाइप, एक डिफ्यूजन चवंदी बे के ऑस्मोसिस चवंदी। डिफ्यूजन जी होंगी वह होंगी है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, पर जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगी वे मॉलिक्यूल हों गैसेस जहा। डिफ्यूजन में चाहे मेंशन करनी गैस, गैस जहा मॉलिक्यूल। उनके अलावा अस गाल ऑस्मोसिस की त अच्छा डिफ्यूजन जो तक एग्जाम्पल आसो एक एमोबा जो सेल है, दिस इज द एमोबा। एमोबा के अंदर छत डिफ्यूजन जो अमल थे। गैसेस की गाल गैसेस की मॉलिक्यूल की मूवमेंट आ, यानी हायर कंसंट्रेशन ऐसो ऑक्सीजन जी बाहर इन सेल के बाहर ऑक्सीजन घने मकदार में, यानी हायर कंसंट्रेशन एच सी से शो किया। उनका अलावा जो अस अंदर की गाल क्यों एमोबा के सेल के अंदर, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो आके एल सी से सो मेंशन किया। सो इतना तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल हायर टू लोअर, यानी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अंदरी तरफ डा मूव कंदा। इनके चबो डिफ्यूजन जो अमल। अगर जो अस गाल क्यों ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस में छा द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, पर इतने जो मॉलिक्यूल्स हों वाटर मॉलिक्यूल्स हों या लिक्विड मॉलिक्यूल्स। उतने गैसेस की गाल हुई डिफ्यूजन में, इतने ऑस्मोसिस में लिक्विड या वाटर की गाल हले पी, पर शर्त इतने यो हों क्रॉस अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस करे जी मूवमेंट थे मॉलिक्यूल की हायर कंसंट्रेशन का लोअर कंसंट्रेशन दे, तो वह असर रही ऑस्मोसिस। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाजमी इनमें मेंशन करो। सो मैं एग्जाम्पल ठाया सेल जो, हे एक सेल आ, हे उन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ चौधारी बाउंड्री आ सेल की। बाहर ऐसो वाटर मॉलिक्यूल जी जी मकदार आ वो लो आ, लो मकदार में एल सी से शो किया। अंदर से गाल कंदासी वाटर मॉलिक्यूल की, तो अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन हाई आ, तो हाँ चीन मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन मूवमेंट थी मॉलिक्यूल की वाटर मॉलिक्यूल की बाहर का अंदर तरफ, छो बाहर लो कंसंट्रेशन सॉरी अंदर का बाहर, छो जो अंदर पास का हाई कंसंट्रेशन आ बाहर लोअर कंसंट्रेशन आ। सो इतना मॉलिक्यूल्स बाहर मूव कंदा टुवर्ड द आउटसाइड, क्रॉस कंदा सेल मेम्ब्रेन के जेके असा चवंदा ऑस्मोसिस जो प्रोसेस। अगर असा गाल क्यों बे नंबर ते, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो एडी ट्रांसपोर्ट के चवंदा जिनमें मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल थे फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन, इनके ऑपोजिट है पैसिव ट्रांसपोर्ट जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ही फास्ट मेथड हों, इन में एनर्जी इन्वॉल्व थी, उनके अंदर कोई भी एनर्जी इन्वॉल्व में न हुई, जी एनर्जी इनमें इन्वॉल्व थी उनके अस ए टी पी चवंदी जनरली एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी रिच कंपाउंड आ। हाँ जर अस गाल क्यों में, तो गाल कई तो मूवमेंट थी मॉलिक्यूल की फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अगर कें हायर कंसंट्रेशन दे लोअर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट करानी हो या ट्रांसफर करानी हो, तो उसे लगाइंदा एनर्जी लगाइंदी। सो इन प्रोसेस के चाहिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अस बिन नतीजे में इंदी टे नंबर से, तो बल्क ट्रांसपोर्ट के नाले से एक अड़ी ट्रांसपोर्ट आ जैमें तो मूवमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल, घने मकदार में जो मॉलिक्यूल हों उनकी मूवमेंट थी, वह क्रॉस कंदा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, वह मूवमेंट कर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेल के अंदर या सेल के बाहर। उ मूवमेंट जी होंगी वह बल्क ट्रांसपोर्ट सदाई है, उनमें एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट होंगी। इन जहा मजीद ब टाइप, एक एंडोसाइटोसिस बे के एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस जो मतलब आ एंडो मीन्स अंदर, साइटो मीन्स सेल, सिस मीन्स प्रोसेस आ टेकन इन प्रोसेस, सेल जो टेकन इन प्रोसेस जो सटाइंद वो एंडोसाइटोसिस। अगर सेल के अंदर का शे वे पी, सेल के अंदर पास वे तो उनको नालो आ एंडोसाइटोसिस। अगर उबते में
अगर गाल क्यों तो एक्सोसाइटोसिस, एक्सो मीन्स आउट, साइटो मीन्स सेल, सिस माना प्रोसेस के चइबो आहे। एक्सोसाइटोसिस अहिड़ो अमल आहे सेल जो जंहिंमें छा थींदो आहे, टेकिंग आउट प्रोसेस सेल जो चवंदा आहियूं। त सेल खां जेकी ॿाहिरि शयूं निकिरंदियूं आहिनि उनजे अमल खे चवंदा आहियूं असां एक्सोसाइटोसिस, यानी हिन खे चइबो आहे सेल वोमिटिंग प्रोसेस बि सॾिबो आहे। सो एंडोसाइटोसिस जा मज़ीद ॿ टाइप, हिकिड़े खे फेगोसाइटोसिस, ॿिए खे पिनोसाइटोसिस। अगरि सेल जे अंदरि सॉलिड मटीरियल जी इनटेक थिए थी पई त उनखे चवंदासीं असां फेगोसाइटोसिस, यानी सेल ईटिंग प्रोसेस। अगर सेल जे अंदरि इनटेक ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल जी जेको आहे सो थिए थी पई त उन अमल खे चइबो पिनोसाइटोसिस, यानी सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस। अगरि लिक्विड मॉलिक्यूल सेल जे अंदरि अचनि था त पिनोसाइटोसिस। अगरि जेकॾहिं सॉलिड मटीरियल जी टेकिंग थिए थी सेल जे अंदरि त उनखे चवंदासीं फेगोसाइटोसिस आर सेल ईटिंग प्रोसेस। सो एग्ज़ाम्पल में ॾिसो, हीअ एंडोसाइटोसिस आहे, हीअ हिकिड़े क़िस्म जो सेल आहे। सेल जे अंदरि ॾिसो त मटीरियल अंदरि थो अचे पियो अंदरि तरफ़, त हिन जो नालो आहे एंडोसाइटोसिस। अगरि असां ॻाल्हि कयूं एक्सोसाइटोसिस जी, त हिन में एग्ज़ाम्पल लिखियलु आहे त सेल खां ॿाहिरि का शइ वञे थी पई, निकिरी करे वेस्ट प्रोडक्ट्स आहिनि जेके ॿाहिरि निकिरनि था, हिनखे लिखी छॾियो भले वेस्ट प्रोडक्ट। पोइ सेल खां ॿाहिरि जेके वेस्ट प्रोडक्ट निकिरनि था उन अमल खे चइबो एक्सोसाइटोसिस या सेल वोमिटिंग प्रोसेस। अगरि सेल जे अंदरि का शइ अचे त उनखे चइबो एंडोसाइटोसिस। पर एंडोसाइटोसिस में जेकॾहिं लिक्विड न पर सॉलिड, हे हिकिड़ो सॉलिड मटीरियल आहे, अगरि सॉलिड जी इनटेक थिए थी त उनजो नालो असां सॾु ॾिबो फेगोसाइटोसिस। अगरि इते ई अगरि लिक्विड मॉलिक्यूल जी इनटेक थिए थी, पाणीअ जो अंदरि अचणु थिए थो सेल जे अंदरि, त उनखे असां सॾींदासीं पिनोसाइटोसिस आर सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस। सो हीउ सॼो आहे ट्रांसपोर्ट जो अमल जेको तव्हांजे किताब में ॾिनल आहे। अलाह हाफ़िज़।